हाय गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस डाइट क्या होती है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स क्या होते हैं और वो कैसे आपकी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं। देखिए गाइस, बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जिसको हम कैलोरी भी बोलते हैं, वो आपको आपके काम के हिसाब से मिलती रहे। अगर आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेलने जाते हो तो आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो अगर आप ऑफिस में काम करते हो और आप ज्यादा कैलोरीज लेते हो तो वो कैलोरी आपकी बॉडी में फैट बन के जमा हो जाती है और आप मोटे हो जाते हो। तो यही कैलोरी का एक कॉन्सेप्ट है और कैलोरी का मतलब है एनर्जी। तो गाइस, सबको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे उनकी बॉडी फिट रहे और उनका जो बॉडी ग्रोथ है वो अच्छा हो। तो मेरे ज्यादातर व्यूअर्स बच्चे हैं तो उनके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन और आपका विटामिन एंड मिनरल्स, फैट्स, इनका क्या रोल है। देखिए गाइस, ये सारी चीजें जो है, प्रोटीन जो आपका है वो आपकी बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है, आपके मसल्स को डेवलप करने में मदद करता है, आपके सेल्स को ग्रो करने में मदद करता है। तो इसलिए प्रोटीन आपके खाने में होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फैट्स आपकी बॉडी में डिफरेंट लिगामेंट्स में, मतलब जॉइंट्स में मौजूद रहता है, आपकी बॉडी को हेल्दी दिखने में, आपको हल्का सा एक मोटा टच देने में भी मदद करता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ये आपका फैट्स का काम करते हैं। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको बहुत जल्दी एनर्जी देते हैं कि आपने खाया और आपकी बॉडी को जल्दी एनर्जी, जैसे केले आप खाते हो तो आपकी बॉडी को कुछ टाइम के लिए एनर्जी मिलती है, एनर्जी ड्रिंक पीते हो तो आपको कुछ टाइम के लिए एनर्जी मिल जाती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है। ग्लूकोज, जब मरीज जब हॉस्पिटल में होता है तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है, इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स से वो होता है। इसके अलावा जो हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, वो हमको डिफरेंट बीमारियों से बचाते हैं। हमको अगर कोई दिक्कत हो गई तो विटामिन सी, ए, बी, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये हमारे आईज को अच्छा रखती हैं, हमारे ब्रेन को अच्छा रखती है। तो ये विटामिन्स एंड मिनरल्स का काम होता है। मिनरल्स मतलब पोटेशियम, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में ही मौजूद है, जो हम पढ़ते हैं बाहर मिनरल्स, जो पोटेशियम और सोडियम, ये सारी हमारी चीज में बॉडी में भी मौजूद होती है, लेकिन तो ये काम होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स का। इसके बाद कुछ चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखती हैं, हमारी बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन रखती हैं, उनको कहते हैं हम वाटर फूड्स, जिसमें जितने भी वाटर फूड जैसे तरबूज है और टमाटर है, जिनमें पानी का कंटेंट अच्छा मौजूद होता है, वो हमारी बॉडी को अच्छा वाटर लेवल हमारी बॉडी का अच्छा रखते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे बैलेंस डाइट में होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें एक अच्छी कैलोरीज मिल पाए और हमको अच्छी एनर्जी मिल पाए और हम सारे काम कर पाए। अब हम देखेंगे कि ये सारी चीजें तो कौन कौन सी चीजें हमारी डाइट में होनी चाहिए, रेगुलर डाइट में होनी चाहिए, और कौन कौन सी चीजें हमें रेगुलरली खाना चाहिए, वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो उसमें आता है आपका, अगर आप नॉनवेज खा लेते हो तो तब आपको सजेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स आपको दूसरी चीजों से भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप नॉनवेज खा लेते हो तो चिकन, एग्स, और वेजिटेरियंस के लिए पनीर हो गया, सोयाबीन है, चने आपको खाने चाहिए रेगुलर तौर पर, चने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एनर्जी गिविंग फूड है, और आपको रात को भिगो के उसको आप सुबह खा सकते हो नाश्ते के तौर पे, बहुत अच्छा होता है चने खाना। उसके अलावा चीज है, चीज में बहुत आपको जो प्रोटीन कंटेंट है बहुत ज्यादा होता है, तो चीज भी आपको लेना चाहिए, अगर आप दुबले पतले हो, मोटे हो तो चीज अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा आप सब्जियां, जितनी भी मौसमी सब्जियां हैं, जिसमें गोभी है, पत्ता गोभी है, बैंगन है, लौकी है, ये सारी चीजें आपको खानी चाहिए, आपकी बॉडी के लिए बड़े जरूरी होते हैं और बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा आपको ब्राउन राइस लेना चाहिए। देखिए, व्हाइट राइस उतना ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होता है, इसलिए काफी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि ब्राउन राइस लेना चाहिए, बहुत ही हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए। उसके अलावा ब्राउन ब्रेड आप खा सकते हो, पीनट बटर आप खा सकते हो, पीनट बटर भी बॉडी बिल्डिंग में काफी यूज करते हैं, प्रोटीन कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। पीनट बटर मतलब आपका मूंगफली का बटर रहता है ब्राउन कलर का, वो आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप स्पिनच ले सकते हो सब्जियों में, मतलब जितनी भी भाजियां होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो फाइबर का फॉर्म अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, और डिफरेंट उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा जो
फ्रूट्स हैं वो कौन कौन से लेने चाहिए। तो फ्रूट्स तो जितने भी मौसमी आते हैं वो सारे फ्रूट्स आपको कंज्यूम करने चाहिए, जिसमें बनाना हो गया, एप्पल हो गया, आपको अनार लेना चाहिए, कीवी हो गया, मैंगो है, और इसके साथ जो खाने के बीच में आपको सैलेड लेना चाहिए जिसमें आपका कुकुम्बर, पत्ता गोभी का जो सैलेड होता है, मूली, गाजर, ये सैलेड भी आपको खाना चाहिए क्योंकि आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा और फ्रूट्स को अगर हम खाने की बात कर रहे हैं तो फ्रूट्स को हमेशा आपको दिन में खाना चाहिए या मॉर्निंग में खाना चाहिए। मॉर्निंग मतलब 10 बजे से 12 बजे के बीच में, तो आपको बहुत फायदेमंद होते हैं ये जितने फ्रूट्स होते हैं। और इसके अलावा जो आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए वो है नट्स, जितने भी टाइप के होते हैं, चाहे उसमें बादाम हो, काजू हो, अखरोट हो, या फिर आपका खजूर हो, मूंगफली हो, पिस्ता हो, ये सारी चीजें, ब्लैक रेसिन जिसको हम हिंदी में मुनक्का भी कहते हैं, वो आपको खाना चाहिए रेगुलर तौर पे, तो बड़े अच्छे होते हैं। और अगर इनको आप रात में भिगो के रख लो और सुबह चने के साथ खाओ तो बॉडी के लिए बिल्कुल एक एनर्जी फूड होता है जिससे आपको दिन भर ताकत मिलेगी। तो अगर आप इन सारी चीजों को यूज करते हो अपनी डाइट में तो बहुत फायदेमंद है। और खाना जो है, जैसे खाने के भी डिफरेंट रूल्स है, मेरे ख्याल से उसका एक अलग वीडियो बनाना होगा कि ये सारे जितने खाने हैं उनको खाने का टाइम क्या होता है और कब खाए तो ज्यादा फायदे करता है। क्योंकि दूध पीने का टाइम भी रात में बोलते हैं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा गया है और डिफरेंट हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि रात में पिए तो दूध ज्यादा फायदेमंद है। तो खाना खाने का भी टाइम अलग है, और इवन पानी भी आपको, मतलब खाने का भी बहुत अलग अलग रूल्स है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन इस वीडियो में जो मेरा एक मोटिव था वो आपको ये बताना था कि विटामिन्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं, विटामिन मिनरल्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और डिफरेंट फूड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी डाइट जो हमारी चीजें हैं खाने की वो डाइट में क्या क्या होनी चाहिए, उसके अलावा कैलोरीज क्या होती हैं, तो ये हमने वीडियोस में डिस्कस किया। और क्या है कि मैं कोई प्रिपरेशन करके वीडियो नहीं बनाता हूं, इसलिए थोड़ा सा रैंडम हो जाता है, लेकिन बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल बहुत होगा ये वीडियो, मैं यही होप करता हूं।